2006 में इन्होंने क्या किया कि एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना और वो एनजीओ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये पहला संस्थान है जिसमें भारत सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भी उसका मेंबर है। लेकिन यही पता नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि क्या है। मनमोहन सिंह के जमाने में ये पीएचएफआई बना और उसमें पीएचएफआई में भी गेट्स फाउंडेशन का उतना ही इन्वेस्टमेंट है जितना भारत सरकार ने दिया है। कमाल की बात है। अब वो एग्जैक्ट फिगर 60 करोड़ का है, अभी मैं सॉरी ढूंढ रहा था तो वो कहीं से गायब कर दिया है उसको वहां से हटा करके कि एग्जैक्ट फंडिंग क्या है, लेकिन पहले मेरे पास वो डेटा था, वो मैं डेटा आपको दिखा दूंगा। शायद 60 करोड़ का फर्स्ट फंडिंग हुई 2006 में और उसमें पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना और वही पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया अब भारत सरकार में इस तरह से पेनिट्रेट कर गया कि 2009 में उन्हीं लोगों के सौजन्य से जो रोटा वायरस और जो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो वायरस था, वैक्सीन था, उसको लेकर के इन्होंने ट्रायल किया आंध्र प्रदेश में और उसके बाद कुछ बच्चों की मौत हुई। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी गई, पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको उस घटना को सही पाया, सही पाने के बाद कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद 2009 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा। लेकिन उसके बाद प्रतिबंध कैसे लगा और फिर 2013 में तो आपके पास वो आ गए आरटीपीसीआर मशीन बेचने के लिए और बड़ा बड़ा मशीन बेचने के लिए आ गए, जिसका मतलब है कि उस वक्त वो हवा अगर हंगामा हुआ तो थोड़े दिन के लिए उसको आई वॉश कर दिया गया और फिर बैकडोर से एंट्री हो गई, बिक गए इधर जो है। सो डॉक्टर बैनर्जी, क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस बात का इल्म है या वो भी गेट साहब को एक बहुत बड़े भगवान के नजरिए से देखते हैं और उनको लगता है कि गेट साहब जो है सो इतना बढ़िया लोगों के रिसर्च इनोवेशन में पैसा लगा रहे हैं, वो तो महान व्यक्ति हैं, उनके ऊपर शंका करना, उनके ऊपर संदेह करना तो पाप है? बिल्कुल सही बोला आपने। 99.99% मेडिकल कम्युनिटी या हेल्थ कम्युनिटी बिल गेट्स को डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि आम आदमी को यही समझता है कि काफ़ी बड़ा, जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इम्यूनाइजेशन, गावी, ये सब पाथ, तो ये सब काफ़ी दिनों से इसका तैयारी चल रहा है। जैसे आपने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, ये क्या करते हैं, ये मास्टर्स पब्लिक हेल्थ कोर्सेज चलाते हैं MPH, और ये क्या होता है कि जैसे हम लोग जो ट्रेडिशनल पढ़ते थे तो हमारा MBBS करने के बाद हम पब्लिक हेल्थ करते थे, MD हमने भी जैसे किया। ऑलरेडी जितने हमारे यहाँ 500 मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में, ऑलरेडी देर आर इनफ MD पब्लिक हेल्थ, जो कि एपिडेमोलॉजी में बेसिकली वी आर डॉक्टर्स देन। तो इन्होंने क्या किया, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ कोर्स में क्या है कि कोई भी ग्रेजुएट, हमारे इंडिया में बहुत ग्रेजुएट है अनएम्प्लॉयड है बेचारे, उनको भी मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके लिए ये कोर्स चलाया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, चाहे कोई भी साइंस ग्रेजुएट है, कोई भी साइंस ग्रेजुएट हो, BSc MSc, तो मास्टर्स पब्लिक हेल्थ करने के बाद उनको जॉब मिल जाता है, फील्ड वर्कर्स का काम करते हैं, इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक टीम बना दिया उन्होंने और इन लोग डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट मिलना, हमारे जैसे देश में जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फॉरेन में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो दे बिकेम द एम्बेसडर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ को कब्जा कर लिया और हमारे जो डीप, जिनको नॉलेज है पब्लिक हेल्थ का, जिनको की मेडिकल बैकग्राउंड है, उनको साइड ट्रैक कर दिया। अभी भी आपने देखा होगा, हमने 4-5 स्टेटमेंट, आपको लेटेस्ट स्टेटमेंट भी अभी पब्लिक डोमेन में आ गया, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट ने गवर्नमेंट को 5 स्टेटमेंट दिए है अबाउट दी पैंडेमिक मैनेजमेंट। लेटेस्ट में भी बोला है कि इसको अभी बंद करो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ये, तो उसको गवर्नमेंट उसको नज़रअंदाज कर देता है। और वो किसका लेते हैं, जितने भी कोविड टास्क फोर्स में है, वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक लेबल लगा दिया कि दे आर दी एक्सपर्ट्स इन पब्लिक हेल्थ, और नाम भी ऐसा दिया है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, आम आदमी या मेडिकल फ्रेटर्निटी भी समझेगा कि इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक प्रकार से ये पिछले 10 साल से या 15 साल से एक प्रकार से पूरा इन्होंने पब्लिक हेल्थ का एक पैरेलल आर्मी खड़े कर दिया है, जो कि मेन स्ट्रीम हाईजैक करके या कैसे कूक करके जो हमारा जो ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे उसको एक किनारे कर दिया है।
तो ये बहुत ही अच्छे से किया और अभी हम भी सोचते हैं कि बहुत अच्छा, और हम लोग का इसके अलावा हमको भी जो ग्रांट मिलता है रिसर्च ग्रांट पब्लिक हेल्थ में, 90% हमारे कंट्री में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से रिसर्च ग्रांट मिलता है, ICMR को भी बिल मेलिंडा गेट्स से मिलता है, नारी को भी मिलता है, और यहाँ तक कि अलग अलग नाम का है, जैसे आपने भारत बायोटेक बोला था, ऐसे बिराक फंड है उसमें भी पीछे आप देखेंगे तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स का। तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर, कोई भी एकेडेमिशियन अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता, उसको फंड नहीं मिलेगा।